एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी कल की फ़्लाइट है और यहाँ गोवा में टैक्सी की स्ट्राइक है और वो ना तो किसी को बाहर से आने देते हैं ना जाने देते हैं। अब दिक्कत ये है कि हम जाएं कैसे। हो चुकी है सुबह और हम जा रहे हैं सुबह सुबह एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को रात को बताया था कि आज यहाँ जो टैक्सी वाले हैं उनकी स्ट्राइक है, हड़ताल है, तो हम किसी पचड़े में ना फंस जाएं। इसीलिए हमने रात को चार बजे अभी सुबह के 4 बजे और हमने अभी से ही हमारी टैक्सी बुक कर दी थी, क्योंकि 6 बजे के बाद यहाँ स्ट्राइक शुरू हो जाएगी, फिर हम फंस जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो हम लोग एयरपोर्ट तो पहुंच गए और हम वहां से होटल से चले थे 4 बजे और यहां 5 बजे पहुंच गए थे, यानी कि 1 घंटा लगता है पूरा नॉर्थ गोवा से यहां एयरपोर्ट आने पे। मुझे भी नींद आ रही। तो हमें यहां आए हुए 3 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हमने सोचा था कि एयरपोर्ट पे कुछ खा लेंगे, पर यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं है। आप भी आओ तो प्लीज़ अपना कुछ खाने का ज़रूर साथ लेके आना। और अगर आप एक बार एयरपोर्ट पे एंट्री कर लेते तो दोबारा ये लोग बाहर भी नहीं जाने देते। तो हम फंस चुके हैं यहाँ पे। जो दो शॉप्स हैं आई थिंक कॉफ़ी वगैरह की, वो भी बंद है। हम तो इस बार चक्कर काट चुके हैं। तो हम लोग बीच बीच में नींद आती है, सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। अब आप देख सकते हो ये लोग सो रहे हैं, मैं भी अभी सो के उठी थी। भाई भूख लग रही बेजा, बहुत तेज भूख लग रही थी हमको। बोलो, मैं भी दिमाग कत्तो लगाई यार। मतलब होटल का एयरपोर्ट का मायन है, रेस्टोरेंट है जी का मौने 300 रुपया की, तो एक तो चाय देवे इतना साग पोया देवे। हाँ। आप करी के स्विगी मंगवाई है बारह। मतलब बात पैसे की नहीं है, देने को तो आप 500 का भी खा सकते हो, 400 का भी खा सकते हो, पर उसकी वर्थ भी तो नहीं चाहिए। मतलब मैं ये पता करके, एक चाय और इतना सा एक कटोरी पोहा होगा मुश्किल से, वो 350 रुपये का, 350 रुपये का उसकी कोई वर्थ ही नहीं है यार। हद है, एक मैगी और सबसे ज़्यादा महंगी थी, नहीं पोहा था 280 रुपये का, पोहा और एक चाय, और मैगी थी 350 रुपये की, एक मैगी एक प्लेट और एक चाय। और मैं 100 रुपया का मायने एक आलू का पराठा मंगवाया, एक वड़ा पाव मंगवा लियो, एक पेप्सी की बोतल मंगवा ली, और कहीं एक वो ऑमलेट, आलू पराठा, डबल ऑमलेट। यहाँ हालांकि हो तो शायद 180-160 को, एक वड़ा पाव, आलू का पराठा और डबल एग का ऑमलेट, तो और एक कोक। तो इसलिए कोई भी जब एयरपोर्ट पर हो इतना जरूर ध्यान रखो कि जरूरी को नहीं अठा का महंगी चीजा खा को, आप सुई गुम बारह भी मंगवा सको, चेक इन गेट पर बटन ले लो। मैं सिक्योरिटी वाले भैया से पूछ के आई थी, मैंने कुछ आसपास है कि नहीं, तो बोले मैडम यहाँ तो कुछ नहीं है, आप चाहो तो स्विगी वगैरह से मंगा सकते हो। तो फिर मैंने बोला हाँ ये भी सही है, फिर भैया ने आइडिया दिया, मैंने भी अपना दिमाग लगाया, इंस्टॉल किया और ऑर्डर करके मंगा लिया। हम लोग 5 बजे से बैठे हुए हैं, तो हमें हुए 5 घंटे, और अभी भी हमारी 1:30 बजे की फ़्लाइट है, तब और बैठना है। तो फाइनली टाइम हो गया है, 1 बज गए और हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया और अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ। मैम मिस नीतू प्लीज प्रोसीड फ्रॉम गेट नंबर 3। इनको कुछ नहीं बोली, अकड़ू लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता है। मन घी भाई साहब थे इन कड़े लेट जा रहे हो, मैं बोलियो आ सागे गेल पड़ मिलिए मन मंगाई करो। ये रही हमारी फ्लाइट स्पाइस जेट, लड़के
मैं आपको सेकंड हैंड चीज दे दी। अब नेक्स्ट मैं विंडो सीट पे बैठूंगी। और बैठ बजो क्यों, हम लोग मुंबई पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देर में। जो हमारी फ्लाइट को जो उड़ा रही है आज वो है फ्लाइंग ऑफिसर कैप्टन गुंजन। तो ये क्या कह रहा है गुंजन, का ही कर रही चरे, हमारा कान ही बंद हो गया, क्या उड़ा रही है, थोड़ी धीरे धीरे उड़ा रहे, हले हले उड़ा ना, तो शीत हो गया भाई, पानी में मार दे। अब तो पानी जा ही नहीं, तो वो समुद्र है नीचे। हम पहुंच गए मुंबई और अभी हम यहाँ से कुछ ले बोलते ना दारू पानी लेंगे। हाँ तो हमने ली है हमारे पापा के लिए ड्रिंक, तो बोतल वोदका नहीं है, वोदका नहीं है, विस्की है, मतलब पापा के लिए, मेरे पापा के लिए, इनके पापा के लिए, हम दोनों मतलब हमने उनके लिए गिफ्ट लिया है। तो फर्स्ट टाइम हम कोई ड्रिंक गिफ्ट कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनकी बड़ी इच्छा थी कि गोवा जा रहे थे हमारे लिए कुछ लेके आओ, तो गोवा में तो अवेलेबल ही नहीं था, है ना, ड्रिंक का वहाँ नहीं था और यहाँ पर था, तो हमने ले लिया मुंबई में। 5 लीटर तक अलाउड है। हाँ, और ये जो एयरपोर्ट है मस्त है। हाँ, और आप ड्रिंक वगैरह अगर आपको ले जानी है तो सिर्फ 5 लीटर तक ही अलाउ होता है, उसके ऊपर आप नहीं ले जा सकते। डोमेस्टिक वालों को 5 लीटर तक अलाउड है और ड्यूटी फ्री नहीं है। ड्यूटी फ्री तो इंटरनेशनल वालों के लिए होता है। हाँ, वो सिर्फ इंटरनेशनल वालों के लिए होता है। शानदार है। अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट में, वहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी हमारी फ्लाइट को 1 घंटा है, अभी 3:30 हुए हैं और हमारी फ्लाइट है 4:30 बजे तो बोर्डिंग है और 5 बजे टेक ऑफ है, तो अभी हम फूड कोर्ट में जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूं अपने लिए KFC का ये मील, और अब हम खाएंगे ये क्योंकि हमें भूख लग रही है। अठे ही जाओ यार, अठे भी चावल ही ले रही है। अतो चावल प्रेमी मां कौन देगा हमारा जीवन काल का माना, अत्ता तो मद्रासी भी होनी जो जति आ चावल के प्रेमी है। अच्छे लगते हैं ये KFC के, इसलिए मैं लाई थी, जैसे खुद तो खा ही नहीं रहे। मेरे साथ बोर्ड पर कोई जना भी चावल ही खाई, मेरे से तो मैं इनको खिला देती हूं, चाहे एयरपोर्ट पर बैठे चाहे पोर्ट पर बैठे चाहे बस में बैठे चाहे ठेला पर बैठे चाहे रिक्शा में बैठे, सब जगह चावल ही खाना होगा। और ये का चावल की शॉप की वजह मार भी चावल को शॉप लागो अरे बाहर ले रही वो चीज भी बढ़िया है। बस खाओ, क्यों खा रहे हो, तो खिलाती हूँ, ठेला हुआ तो आई है, मैं मेरे लिए मैं तो खाली खाऊंगी। आधी आधी से ज्यादा मैं इनको खिला देती हूँ, बोलो आधा हो जाता मैं खा लूँ फिर अपन मनुआर का बूका आई। कोई मनुआर करे तो आप कर लिया खा लिया फिर। तो सर अब फटाफट में जा रहे हैं, खा पिए नक्की का हो चुका है क्योंकि बोर्डिंग को टाइम उबाड़ो है ना, 4:30 बजे को टाइम है, ऑलमोस्ट 4:15 हो चुका है बार ये क्या होना, तो 5 बजे की पर बोर्डिंग टाइम 4:30 है, बोर्डिंग टाइम 4:30 बजे का है बार, शायद 7:45 तक जयपुर उतार दें। ऊपर से ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना, उधर जाना पड़ेगा पीछे की तरफ भाई, क्या नंबर गेट बटा जानो गाड़ी मन बार दोबारा खा ले तो ये फिर थोड़ी यू नो जॉगिंग करवाऊँगा बार में। तो हम लोग फ्लाइट में वापस बैठ गए, आप लोग सोचोगे कि पूरे दिन फ्लाइट फ्लाइट ही, तो आज पूरे टाइम हमारी फ्लाइट ही चेंज हो रही है, तो हम जो जयपुर वाली फ्लाइट है उसमें भी बैठ गए हैं और अब हम आपसे मिलेंगे जयपुर पहुँचने के बाद। बोर्डिंग कम्प्लीट मैडम कह रही है, बोर्डिंग कम्प्लीट है, तो अब हम आपसे मिलेंगे जयपुर पहुँचने के बाद। फाइनली अपने जयपुर आ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है, फ्री लग रहा है। अपना घर अपना ही होता है, अपना घर खुद का घर खुद का। तो अभी हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं, हमने उबर टैक्सी की है और फिर हम जाएंगे घर। तो आ गई हमारी टैक्सी, मिलते हैं घर जाके, घर जाऊंगा फिर मिला। हम लोग घर आ गए थे और हमने खाना भी खा लिया, अभी खाना खाया भाई बेजा सुकून मिले हो 12 की, मतलब चाट पकौड़े खाकर दिमाग खराब हो गो। मम्मी बनाई आज टिंडा की और टिंडे दा,
टिंडा की दाल और लौकी थी। हाँ सॉरी 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 सॉरी, टिंडा को नहीं आजी, लौकी लौकी छोटी छोटी काटेड़ी है और चना की दाल है, वो खा रही तो सुकून मिले, मजा आ गया। और अब हम लोग जयपुर आ गए हैं, तो फाइनली जो आपका वेट है वो खत्म हुआ और अब हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए नए व्लॉग्स लाएं, वापस कंटिन्यू करें वो सब चीज, और आप अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमा गणेशा, बाय।